राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपालाए ईटरनी प्राथमिक शाला में कार्यरत बाड़ गोपाल कोऑपरेटिव बैंक नु उदाहरण आपी गुजरात में सहकार क्षेत्र की व्यापकता अंगे गृहना सभ्यों नु ध्यान आकर्षित कर्यु। हमारे गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में ईडर नाम का एक गांव है, तालुका प्लेस है। वहां 8 साल से नीचे की उम्र के बच्चों की एक कोऑपरेटिव चल रही है, जिसमें 8 साल के नीचे के बच्चे और 18 साल होते ही वो अपने आप इसके सदस्य मिट जाते हैं। उस कोऑपरेटिव का नाम है बाल गोपाल बैंक। अभी आपको कल्पना मैं देख के आया हूं, वो इस एल्डर हाउस में इस बच्चों की बात इसीलिए मुझे गर्वपूर कहनी है सर कि उनके पास तो आय का स्रोत होता ही नहीं है, तो वो पैसे कहां से निकालते हैं। तो वहां बैंक के कर्मचारी उसके घर में वो गल्ला बचत बैंक का छोड़ आते हैं, उसके मामा उसकी मासी उसके फूफा जो आते हैं और वो जो इनको गिफ्ट देते हैं वो बचत बैंक में डाल देते हैं और हर महीने बैंक के कर्मचारी उनके माँ बाप की उपस्थिति में वो गल्ला खोलते हैं और उसमें से जो राशि मिलती है उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोऑपरेटिव का कितना बड़ा महत्व होगा। सर उसमें से एक बच्चे ने मंच पे आकर कहा कि मैं मेडिकल में जाना चाहता हूं, मगर मैं जब मेडिकल में जाऊंगा तो मेरी फीस के पैसे ये बाल गोपाल बैंक से मुझे मिलने वाले हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज इस सदन में मुझे बताना है बाल गोपाल बैंक इडर का टोटल बचत संख्या, आज इनके पास 16 करोड़ रुपए की बचत है। इतनी एक बड़ी अच्छी बात मुझे कोऑपरेटिव के माहौल को यहाँ वर्मा जी ने इस विधेयक लाकर कहा तो मैंने कहा कि आपसे शेयर करूँ। आपने अनुमति दी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।